और अल्लाह का जिक्र सबसे बुलंद और बड़ा है और तुम जो कुछ कर रहे हो अल्लाह उसे जानता है नाजर ने किराम सूरा अला की आयत नंबर पैंतालीस है अल्लाह ने इसमें हमें चंद बातों का हुक्म दिया नंबर एक उतलमाऊ के मिनल किताब पहला हुक्म कि जो किताब उतरी है इसकी तिलावत की यानी क़ुरान की तिलावत का अल्लाह ने हुक्म दिया यानी कुरान को पढ़ने का अल्लाह ताला हमें हुक्म दे रहा है दूसरा हुक्म वाकई सलात और नमाज कायम करो नमाज की पाबंदी करो जमात से नमाज कायम करो फिर नमाज का फ़ायदा भी बता दिया कि नमाज तमाम बुरी बातों और बेहद से रोकती है और अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ा है और तुम जो कुछ करते हो अल्लाह उसे जानता है कुरान की तलावत की दो सूरतें एक तलावत लफ्जी लफजी, लफजी तलावत और एक तलावत हकमी लफ्जी तिलावत का मतलब अलफिला जाइए पूरा कुरान पढ़ते जाइए हर हरफ पर आपको दसने नेकी मिलेगी ये फायदा है औरवत के कुरान पढ़िए पढ़कर उसको समझिए और उस पर अमल कीजिए और जिंदगी में उसे नाफिज कीजिए कुरान की दोनों तिलावत मतलूब है आज लफ्जी तिलावत तो आम है और लफ्जी तिलावत ही को हम बड़ा कमाल समझते हैं लेकिन हुक्मी तिलावत नहीं हो रही है यानी ऐसा कोई मोमिन जिसके बारे में कहा गया ना कि कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान यानी एक ईमान वाला बंदा बजाहिर तो कुरान का कारी है लेकिन उसकी जिंदगी कुरान की अपनी अमली तबसीर होनी चाहिए वो नजर नहीं आती जब अल्लाह के रसूल सलम के अखलाक के बारे में पूछा गया तो है तशा ने क्या कहा था उससे क्या तुम कुरान नहीं पढ़ते और फिर कहा का नाप आपके खिलाफ कुरान के मुताबिक थे यानी जो बातें तुम कुरान में पढ़ रहे हो जो चीजें कुरान में मिल रही है आपकी जिंदगी कुरान की अमली तबसर थी और यही मतलूब है ईमान वालों से कि कुरान की तिलावत करें लफ्जी तिलावत भी हुक् तिलावत भी मिलल किताब सलात और उसके बाद कहा कि तुम नमाज कायम करो नमाज को पाबंदी से पढ़ो जमात से नमाज पढ़ो ऐसा नहीं कि नमाज पढ़ लिए तो हो गया नमाज कायम करना जब जमात खड़ी होती है तो कहता है कद खद का कद सलामत सला जमात खड़ी हो गई जमात खड़ी हो गई यानी एक सफ लगे एक इमाम हो जमात के साथ पढ़ी जाए यह है नमाज का क्याम जमात की नमाज तना पढ़ने से सताइस दर्जा अफजल है बिला उज्र घर में नमाज नहीं पढ़ी जा सकती अल्लाह के रसूल वसल्लम ने ऐसे लोगों के घरों में आग लगाने की तमन्ना जाहिर की लेकिन औरतों और बच्चों होने के होने की वजह से आपने कहा कि इसकी वजह से छोड़ देता हूँ और ये भी हदीस में है कि जिसने अजान की आवाज़ सुनी और कोई उज्र नहीं है तो उसकी नमाज अगर घर में पढ़ा तो दुरुस्त नहीं है उज्र क्या है बारिश ये उज्र है या खौफ हो किसी किस्म का हंगामा फितना फसाद हो वो उज्र है या जैसे आज के इस दौर में कोरोना की महामारी में दुनिया के बाद मुल्कों में मसाजिद पे पाबंदी है कि भीड़ ना हो तो मस्जिदों में अजान होगी चंद लोगों को पढ़ने की इजाद है दो चार को तो अब ऐसे सूरत में जमात आप पर साकित है आप अपने घर में नमाज पढ़िए तना है तो तना अहलोल के साथ है बच्चे हैं तो जमात घर में कायम कर लीजिए नमाज नूर है नबी सरमाते फरमाते हैं कि अस्सलातु नूरन नमाज नूर है नूर के माना रोशनी जब बंदे को रोशनी मिल गई तो कभी वो भटकेगा नहीं कभी वो रास्ता नहीं भूलेगा और हुक्म दिया गया कि नमाज कायम करो नमाज नूर भी है और नमाज तमाम बुरी बातों और बेहयाइयों से रोक देती है कुरान को पढ़ने के लिए कहा कि कुरान पढ़ो ये कुरान तुम्हारे पढ़ने वाले के लिए सिफारशी बन कर के आएगा नमाज कायम करो और नमाज के अंदर भी कुरान पढ़ा जाता है क्याम में कुरान पढ़ाया था सुरफ फातिहा और दूसरी सूरतें पढ़ी जाती हैं इंसान की जिंदगी पर जब नमाज की तासीर न आए नमाज पढ़ रहा है चोरी कर रहा है हराम खा रहा है झूठ बोल रहा है गालियां दे रहा है बुराइयां कर रहा है और नमाजी है तो समाज का आम तबका तो बाद दफा धोखा खा जाएगा रहा ऐसे लोग नमाजी होते है उससे अच्छा तो मैं बेनमाजी अच्छा की कम से कम इस तरह का जुर्म नहीं करता नहीं मेरे भाई ऐसा धोखा न खाइए वो नमाजी है उस नमाजी को चाहिए कि अपनी नमाजों का हिसाब करे मुहासबा करे कहीं उसकी रोजी हराम तो नहीं है कहीं उसकी तहारत में कमी तो नहीं है कहीं उसके खुशो खुजो में तो कमी नहीं है कहीं उसका अमर सुन्नत के खिलाफ तो नहीं है कहीं ना कहीं से ख़लल मिलेगा वरना इबादत की तासीर जिंदगी पर आएगी और आती है क्योंकि अल्लाह का हुक्म है वादा है नमाज जो नमाज पढ़ी जाती है अल्लाह जिसे कबूल कर लेता है वो नमाज जो अल्लाह के नबी की नमाज सल्लु सलुकम तुमोनी उसल्ली की रोशनी में पढ़ी जाए वो नमाज जो अखलास और इतबाई सुन्नत के तनाजुर में अदा की जाए वो तमाम बुराइयों और बेहयायों से रोक देती है अगर हमारी नमाजें आज बुराइयों से नहीं रोकती हैं हमें बेहयाई से नहीं रोकती है तो हमें अपनी नमाजों का अपनी तहारत का अपने वजू का गसल का अपनी रोजी का हिसाब करना चाहिए कि कहीं इसमें गुनाह या नफरमानी तो नहीं साबित है कहीं शामिल है कहीं इसमें हराम चिस्क तो नहीं शामिल है कहीं न कहीं से खलल होगा लेकिन नमाज को नूर कहा गया तो जब नूर मिल जाएगा रोशनी मिल जाएगी तो फिर गुबराई और भटकेगा कैसे आदमी कोया नमाज भी पढ़े और नूर भी ना मिले या वो नमाज नूर न बने तो हमें अपना मुहासबा करना चाहिए फरमाया कि इन नफहशा एवल मुनकर और उसके बाद ये भी कहा कि अल्लाह का जिक्र बहुत बुलंद और बड़ी चीज है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है इन ज़कर कर अनि फी नब्सी द फी नफसी कि अगर मेरा बंदा मुझे अपने दिल में याद करता है तो मैं उसे अपने दिल में याद करता हूँ अगर वो बंदा मुझे भरे मजमे में याद करता है तो मैं उससे भरे भरे मजमे में उसे याद करता हूँ यानी अल्लाह का जिक्र इतनी बड़ी चीज है इतनी बड़ी चीज है कि जितना तुम याद करोगे अल्लाह को अल्लाह उससे ज्यादा तुम्हें याद करेगा उससे ज्यादा तुम्हें देगा और नमाज खुद अल्लाह का जिक्र है सबसे बड़ा जिक्र अल्लाह का ये नमाज है अल्लाह का जिक्र अल्लाह के जिक्र का बेहतरीन जरिए नमाज है और जो सबाही और मसाई जो सुबह शाम के असकार हैं दुआएं हैं वो पढ़नी चाहिए अल्लाह अल्ला का जिक्र सबसे बड़ी चीज है अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम के बारे में उमनिन आशा सिद्दीका रज फरमाती हैं कि हर वक्त आप अपने रब को याद करते थे तो इस आयत से जो चंद मसाइल साबित होते हैं। पहला मसला कुरान की तिलावत करना वाजिब और जरूरी है अल्लाह का हुक्म है तिलावत की दो सूरतें हैं तिलावत लफ्जी और तिलावत और दोनों तिलावतें मतलूब है दूसरा मसला अल्लाह के रसूल मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे फरमाए मा माँ इलेक जिस बात की आपको वह की गई और वह रसूल के पास आती है रसारत का इकरार तीसरा मसला नमाज की अहमियत की अल्लाह ने खसूसी हुक्म दिया और मराज के शब में यह तोहफा दिया चौथा मसला इस से जो साबित होता है कि इंसान के, के जिंदगी पर नमाज और जिक्र की तासीर आनी चाहिए चेहरे पे रौनक आनी चाहिए और कोई भी आदमी अल्लाह को याद करे और चेहरे पे रौनक ना आए तो वो अपनी इबादत के खरल को समझ ले हाँ जिक्र मनमानी नहीं किया जाएगा फद कुरम तक अल्लाह ने जिस तरह तुम्हें याद करने का तरीका सिखाया उस तरह याद करो का जिक्र या हा हू ही का जिक्र और जैसे झूम करके कवालियों का जिक्र या जो गुमराह लोगों का जिक्र है वो जिक्र मतलूब नहीं है बल्कि वो जिक्र जो मसनून जिक्र है वो मतलूब है अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तिलावत की नमाज के क्याम की और जिक्र की तौफीक अता फरमाए और हमें ईमान की नूरानी हरारत फरमाए हमारे ज़िंदगी पे क़ुरान और नमाज की तासीर और जो है ज़िंदगी में अता फ़रमाए आमीन वसल्लल्लाहु आमेन व सबी महमद वजमैन नाजरन किराम इन चंद बातों के बाद अब अगली गुफ्तगु में इन अब हम अहले किताब से कैसे बातचीत की जाए ना से कैसे गुफ्तु की जाए इस मौजू पर सूर्य कबूर की आयत नंबर छियालीस आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होंगे इन शाह आप जब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए और आप पर अपनी फरमाए जजाकाम वरम वक्त समाज से बुराई मिटाने में आई प्लस टीवी की मदद करे अपना ताउन ऑनलाइन ट्रांसफर करें ऐसे ही और वीडियोज बनाने में हमारी मदद करे